मुझे जितिया पूजा और मेरी मम्मी जितिया पूजा की है। उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं जिससे यह मीठा होता है। मैं इतना सारा बना दी होने के लिए बट पूजा में आग नहीं लगता सुंदर दिख रहेगा। मेरी मम्मी चाचा इसको पूजा में देखिए जितने पूजा स्टार्ट हो गया है गाइस, जैसे कि देख सकते हैं आप। बोलिए आश्विन है कल से वर्धना संघ सब परिवार सब शक्ति कामयाबी ओम भुर्भुवा इहा गच्छा इहा तिष्ठा अस्थामि पूज्यामि मम पूजा गृहाणा ओम अपापते वर्धना तरफराने लगता है और वह भाग जाता है। तो इस जगह में अभी कलयुग नहीं है, कलयुग होगा कहीं पर उधर में रोड पर, लेकिन ये आसपास कलयुग नहीं है। जावा देने आए हैं गाइस, जावा छूट गया, करिश्मा भूल गई। वैसे ही हाथ को इधर साइड में करते चलो ना, अच्छा दिख रहा है। हम लोग का जावा गाइस, हम लोग का नहीं मम्मी लोग का है, कहे कि जीतिया वाला है तो अच्छा दिख रहा है। इधर लाइट भी नहीं है, फोन से लाइट चला के जा रहे हैं। ख्याल इसका कौन रखा? क्या जी? इसका ख्याल कौन रखा? मम्मी। डॉगी भी आ गया है गाइस जीतिया देखने। सीधे चलो रखते रह जाओ। जो हम सीता माला प्रदान पूछने के लिए गई, जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई वर्त या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात को सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी क्योंकि वो अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था और वो तो ही कहती थी, हाय मुझ बुढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जी उस महान को तो मानो हृदय ही विदीर्ण हो गया। वो तत्काल उस स्त्री के पास गए, जहां गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी माँ ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ है ना, चल जाएगा बाबू तुम अभी नहीं जाएंगे, अभी तो रहेंगे। प्रभु मेरे अपराध को क्षमा
क्षमा कीजिए, शर्मा गया, पूजा को स्वीकार कीजिए, बाल बच्चों को हर Thank you.